अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब ये स्टार्ट हो गया है नजफ, और जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं मौला अली के रोज़े में। हम लोगों ने यहाँ पर एंटर होके ज़ायत वगैरह पढ़ी थी, और उसके बाद फिर हम लोग सरी की ज़ायत करने के लिए अंदर चले गए थे। इन दिनों भी काफ़ी रश था। हम मौला अली के हरम में हैं और अभी हम फिर अपने औरतों के उसमें जा रहे हैं। तीन अब सैन से एंटर होने के बाद हमने अपनी चेकिंग कराई है, और चेकिंग कराने के बाद ये एरिया आ गया। बस हम लोग यहाँ सीधे जाकर राइट लेफ्ट टर्न होंगे तो सीधा जाकर जरिया आ जाएगी। मैंने ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पर ना एक और नया सहन बना है, सहन फातिमा, वो हम नहीं देख सके जाकर। वो ना बाहर हरम से बाहर निकलने के बाद बना है कहीं ना, तो वो रहता है अभी, नहीं देख पाए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जाएंगे ज़रूर देखेंगे। और ये आ गए जरिए, बहुत रश था, बड़ी मुश्किलों से हम लोग अंदर गए और हमने ज़्यारत की है। उसके बाद वापस आना भी एक टास्क से कम नहीं था, लेकिन बस मौला जो है ना हाथ लगवा ही देते हैं। हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ बारिश हो रही है, तब बूंदाबांदी हो रही है, बूंदे पड़ रही है। आज शबे जुम्मा है ना, तो आज काफी रश है, बड़ी मुश्किलों से ना जरी तक हाथ पहुंचा है। रात में हम दूसरे जगह से जा रहे हैं, इस मॉल के पास गए थे, वहां से जाके फिर इधर आ जाना। अच्छा जी, हम जी चाचा, हाँ मैंने अपना वो किया है, ठीक है। फजर पढ़ने के लिए आए थे फिर ना रात में, तो हम दूसरी साइड से आए थे, और ये हम दूसरे ईयर से एंटर हो रहे हैं। काफ़ी मतलब याद रखने की बात है कि आप किस तरह किस साइड से आए थे और आपको होटल किस तरफ है, लेकिन एक बार आप चले जाना तो इतना मसला नहीं होता, इजीली आपको हर चीज़ याद रहती है कि क्या था क्या नहीं था। और अंदर का मैं आपको पहले भी दिखा चुकी थी। अच्छा, इस टाइम शायद जरी बंद थी, इसलिए मैं जरी के पास नहीं जा सकी थी, कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं हूँ यहाँ लिफ्ट में और जा रही हूँ नीचे, नाश्ता करने के बाद ऊपर आए थे, मेरी ब्रेड रह गई तो वो लेने। आज मैं एक और शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी, मेरा नाइट चल रहा है तो। और ये लिफ्ट बहुत आराम से चलती है, लेकिन पहुँच गई है पीपर। हम बेसमेंट में हमारा रेस्टोरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर, मैं मम्मा पापा निकले थे थोड़ा सी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ की शॉप्स वगैरह। टाइम हमें मिल जाता है क्योंकि नजफ और करबला में हमारे पास काफ़ी टाइम था, और करबला में हमारे पास 5 दिन थे, तो हम इजीली आराम से हम लोगों ने ज़्यारत की, थोड़ी एक्सप्लोरेशन की, देखी मार्केट्स वगैरह। ये वाली जो स्पेसिफिक मार्केट में हम घूम रहे हैं ना, वो मर्दों से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर आपको मर्दों के कपड़े मिल जाएंगे, जो जुब्बे वगैरह पहनते हैं, बाकी जो भी मतलब इनकी ड्रेसिंग वगैरह। तो हमें तो खैर पापा को तो नहीं लेना था, हम लोग थोड़े गलत उसमें आ गए थे, हमने कहा हमें दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। यहाँ पर ना मुझे ड्रैगन फ्रूट भी दिखा था, मैंने सोचा था मैं लूँगी, मैं टेस्ट करूँगी, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं मैं कहाँ किन चीज़ों में पड़ गई थी, बिजी हो गई थी, जिस वजह से हम फिर से यहाँ आ नहीं सके थे। इतना दूर नहीं था मगर फिर भी। तो यहाँ पर मैं आपको ना उनकी बस शॉप्स दिखा रही हूँ, थोड़ी बहुत
क्या क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ टेस्ट तो यहाँ से किया नहीं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो था, लेकिन मैं ना गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करती थी तो उससे ना इजी हो जाता था, कुछ भी बताना हो कुछ भी करना हो तो उसके लिए नेट होना ज़रूरी है, नेट भी था लकड़ी। तो ये सब हम लोग अभी ना बाहर निकल रहे हैं यहाँ से शायद, हाँ कुछ ऐसे ही है। और यहाँ पर हमने शूज़ लिए थे, मुझे याद है मैंने स्लीपर लिए थे, तो इनमें से कोई एक स्लीपर लिया था और हम लोग को मैंने उन्हें समझाया था। असली है कह रहे हानियर हानियर मैंने जो है नहीं अच्छा तो यहाँ पर ना एप्पल वॉच मुझे दिखी थी, मतलब डुप्लीकेट। मैं उनसे पूछने लगी कितने की है, अभी मैंने उनसे बार्गेनिंग करने लगी तो मुझे कह रहे कि आपके पास आईफोन है तो यू कैन अफोर्ड दिस। मैंने कहा यार आईफोन भी किस तरह से लिया हम ही जानते हैं। खैर वो थोड़ा सा कहते कि नहीं हम कम नहीं कह देंगे ये, और तो मैं बस ऐसी मम्मा को बताने लगी कि देखें ज़रा लोगों को लगता है कि हमने आईफोन ले लिया तो हम बड़े अमीर हो गए। तो खैर फिर हमने एक दो जगह और पूछा प्राइस की क्या है क्या नहीं है, तो सेम ही प्राइस में वो दे रहे थे। अब हम यहाँ एंटर हुए हैं इन दी मेडिकल स्टोर ऑफ इराक, और यहाँ पर काफ़ी नॉन भी चीज़ें थी और काफ़ी मतलब ऐसी भी चीज़ें थी जो हमने फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि उनके प्रिंट्स भी कुछ थे यहाँ पर। तो वही सब कुछ मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जैसे लाइफ बॉय भी था, फिर गोल्डन पर्ल, इसके अलावा क्लिक एंड क्लियर, तो ये सब ब्रांड्स थे। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग का एंड हो गया था। हम लोग यहाँ ना एक गर्ल्स ट्रॉफी लेने आए थे जो मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ से अच्छी नहीं मिली, ड्राई थी। तबरुक हमने कर्बला से ही लिया था। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं इन नजफ़ का थोड़ा और दिखाऊँगी और कर्बला के व्लॉग्स आएँगे। टिल देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।